मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं ना, मैं उसको देखता हूँ कि वो बार बार रोता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार बच्चे रोता क्यों। तो रोने के पीछे का एक ही कारण है, या तो उस बच्चे को किसी प्रकार का तकलीफ होता हो, यानी हर्ट होता हो, तब रोता है। मेरी मम्मी मुझे कहा करती है कि तू बचपन में कभी नहीं रोया था, मतलब रोता नहीं था। ठीक है, बच्चे लोग छोटा में तो बहुत रोते, लेकिन जैसे जैसे कुछ हमारे एज हुई हम रोना बंद कर दिए थे। लेकिन अभी मेरा हाल क्या है, मैं डेली रोता हूँ, है ना। कुछ लोगों से हर्ट होती है तो हमें रोना आता है। मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ, ठीक है, तो कुछ लोग भी हमें थोड़ा सा हर्ट करते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत रोता हूँ। अब बता नहीं ये लाइफ कब तक चलते रहेगी, रोने वाला मतलब पूरी लाइफ रहेगी क्या। तो पहले बच्चों, रोना आपकी समस्या का समाधान नहीं है, ये मेरा मानना है। हालांकि अलग बात, मैं रोता हूँ, लेकिन समस्या का समाधान ये नहीं है। आप उसकी जड़ तक जाओ, उसको समझो, और उसकी जो क्लियरनेस होती है, उसकी जो सफाइनेस होगा, उसको ध्यान दो कि आखिरकार उसका रिजल्ट क्या होने वाला है और हमें क्या करनी चाहिए। लगभग मैं बात बोला हूँ, फिर ऐसा करने वाला मैं नहीं हूँ ना। तो आप लोग ध्यान देना, रोना नहीं कर जीवन में। कहावत है कि हंसना है जिंदगी, कुछ रो रो कर तो शायद रोना, कुछ गाना इस टाइप का है, हंसना ये जिंदगी है, रो रो कर तो जीवन खोना है। मतलब कहा जाता है कि रो रो ना एक जीवन को खो देना होता है। फिर भी लोग रोते हैं, तो रोना नहीं चाहिए, ठीक है ना।